डेंटल सर्जन भर्ती घोटाला मामले में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता की। कुमारी सैलजा ने कहा कि रणदीप ने सरकार के कई घोटालों को उजागर किया। एचपीएससी के हर पेपर में घोटाले किए जा रहे हैं, युवाओं के साथ धोखे पर धोखा किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार नौकरी भर्ती नीलामी कांड से सीएम नहीं बच रहे हैं। 29 दिन बीत जाने के बाद भी एक बात साफ है कि सरकार और सीएम अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। मुख्य आरोपी जसबीर बालहरा को चेयरमैन आलोक वर्मा ने वापस रख लिया। जसबीर को गिरफ्तार नहीं किया गया, उल्टा आलोक वर्मा ने उसकी कंपनी को क्लीन चिट दे दी है।